गाइस वी आर रेडी और हम अभी रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं बस। तो मैंने शॉर्ट बनाया तो आप वो भी देख लेना। और ये मैं कृष्णा नगर से लेकर आई थी तो मैंने मुझे नहीं पता मेरे ड्रेस पे मिल जाएगा, तो मैंने कितना प्यारा लुक किया और ड्रेस मैंने पूरी दिखाई है शॉर्ट में। आ जाना आ जाएगा। और जगह अभी रेडी हो गई है तो पेज एंड पैरेट ग्रीन का कॉम्बो हो गया है। और अम्मी नहीं जा रही हमारे साथ, अम्मी की जगह हमारी खाला जा रही है। तो चलो हम निकलते हैं और फिर आपको विजिट कर। सो गाइज हम पहुंच गए थे ओमैक्स मॉल जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर बाहर से दिखने में जितना ये सुंदर था ना उससे कहीं ज़्यादा अंदर से ज़्यादा सुंदर था। तो ये देखो मैं अपने कैमरामैन से कह रही हूँ कि घुमाना कैमरा। अच्छा बाकी खाला और मेरे कज़न सब अंदर जा चुके थे बट मैं क्लिप लेने के लिए बाहर आई थी तो मैं भूल गई थी बाहर से क्लिप लेना। तो हम दोनों बाहर आए थे मैं और मेरा कैमरामैन और हम यहाँ पर हंस रहे थे किसी बात को, एक्चुअली मैं बात आपको नहीं बता सकती। तो हम यहाँ पर हंस रहे थे और उसके बाद जब मैं अंदर गई ना तो मैंने कहा कि वाओ। बट उससे पहले मैं कह रही थी कि उधर का भी दिखा दो उधर का भी, क्योंकि मुझे यार आप लोगों को विजिट कराना था जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। और यहाँ पर ना मेरा बैग नहीं आया तो मैं इन दीदी से पूछ रही थी कि मेरा बैग नहीं आया तो उन्होंने कहा प्यारी लड़की का बैग आ जा, मतलब इस लहजे में कहा था कि मुझे वहाँ पर हंसी आ गई। तो वो बहुत अच्छी दीदी थी कि कुछ लोगों का ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले नज़र पड़ती हमारी दावतपुर ऑफ फूड ऑफ सिटी जो कि बहुत प्यारी थी। और यहाँ पर ना हर जगह पर डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी जिस पे बार बार जमा मस्जिद, कभी मंदिर, कभी जमा मस्जिद, कभी लाल किला, मतलब सब चीज़ें अलग अलग पिक्चर क्लिक हो रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था उससे ये। बाकी सब अंदर जा चुके थे बस हम ही आपको यहाँ पे विजिट करा रहे हैं बैठ कर। वो देखो सब ज़किया खाला, मेरी खाला के बच्चे सब ऊपर जा रहे हैं और मैं यहाँ कह रही थी कि करीना को भी दिखाओ यार, करीना को भी दिखाओ। तो मेरा कैमरामैन कह रहा तुम्हें ना दिखाऊं करीना को ही दिखा दूं, मतलब यार मुझे करीना अच्छी लगती है काफ़ी। किस किस को अच्छी लगती है कमेंट में बताना ज़रा मुझे। बाकी मैंने कहा चलो बंद कर दो कैमरा, यहाँ मैं अपने कैमरामैन को आंखें दिखा रही हूँ। और फिर सबसे पहले जो नज़र पड़ी ना ऊपर जाते ही ये पड़ा, इतना प्यारा होर्डिंग लगा हुआ था दिल्ली सिक्स का। यहाँ पर सब पिक्चर क्लिक करा रहे थे, मैंने भी कराई है बाय द वे, आप मेरी इंस्टाग्राम DP में देख सकते हो। फिर यहाँ पर लालबाग गए हम जो कि बहुत ही सुंदर था। अच्छा चार एरिया बने हुए हैं, सुनहरी नगरी, लालबाग, पन्नापुरी, नील नगर है ना। और यहाँ का हम उस पर आ चुके हैं, वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं छोटा सा, लगा सकते हैं कह रही हूँ। मतलब यार यहाँ पे सिटिंग इतनी अच्छी, नील नगर में आ चुके हैं हम, नीला नीला हो चुका है वो, तो ऐसा लग रहा है लिफ्ट है ही नहीं है। मतलब पुराने ज़माने की उस पर आधारित करी गई हैं चीज़ें। सो गाइस ये देखो यहाँ कितनी प्यारी वो बनी हुई है एंट्री गेट, मतलब वहाँ उस साइड जाएंगे नील नगर में जाने के लिए वहाँ का यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये बहुत सारे स्टॉल हैं और हम देखते हुए आ ही रहे हैं क्योंकि हम कुछ लेना सोच रहे हैं, सब चल रहे हैं। यहाँ पे जूस के भी हैं बट काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे, नॉर्मल चीज़ें भी अच्छी खासी रेट में 300 से स्टार्टिंग है हर चीज़ की। वहाँ पे भी है तो उधर भी है कुछ स्टॉल, इधर भी है, वहाँ पे चाइनीज़ वगैरह भी हैं, हल्दीराम भी है, हल्दीराम का कॉर्नर भी है इसमें। अमान हल्दीराम किधर है? उस साइड उधर है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं अभी क्या लेना है। चलो गाइस अब हम बैठे हैं सिटिंग एरिया पे। KFC भी है यहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी ले लेना। और हम आए अरू वहाँ पर बैठा है, दिखा नहीं सकती कौन वो वहाँ पे, और भी सब बैठे हैं इसलिए। अब हम बैठे हैं, अब हम खाएंगे तो मंगाएंगे खाने के लिए। देखते हैं हम कहाँ से ऑर्डर करें, KFC से चाउमिन वॉक यहाँ पर बहुत बड़ी सिटिंग है वैसे तो।
देखते हैं अभी कहाँ पर। लालबाग बागों में डिवाइड है, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे लालबाग में। ये लार्ज वाला मैं दिखाना भूल गई, हम पैसे पैसे में थे तो कहाँ है, ये उल्टा है। हमने लार्ज वाला कराया और इसके रेट है डी वो क्या कहते हैं डी कह रही हूँ GST लगकर ये लगे 11 रुपये के, तो वही हो गया 482 रुपये का। और हमने लार्ज पिज़्ज़ा करा है तो अभी जब आएगा जब दिखाएंगे। तो ऑर्डर करा और अभी हम बैठे हुए कंगा उंगा करने में बाल कर रही थी। सो अभी हम यहाँ वो हमारा ही बन रहा है आई थिंक, वो पैक हो रहा, पैक करके भी हम लाएंगे शायद हमारा ही है, पता नहीं मुझे कन्फर्म नहीं, वहाँ जाके पता लगेगा तो देखते हैं अभी। तो हमने ले लिया है गाय, हमने ले लिया चुका है। इसकी लेयर काफ़ी पतली है, ये वही है 500 रुपये का आई है, तो अगर आप लें तो सोच समझ के लें। बट हमने तो ले लिया, हमें फर्स्ट टाइम था तो हमने एक्सपीरियंस करा। और ये ये है वो क्या कहते हैं, सब भूल गई मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ऑर्गेनो सॉरी और केचप और चिली फ्लेक्स भी हैं। तो चलो हम खाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज हम यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे, हम मुझे बस अपनी लिपस्टिक का गम था, वैसे मैं रख कर ले जाती हूँ लिपस्टिक लेकिन अच्छा नहीं लगता कि फैल जाती है। तो यहाँ पर टेस्टी था काफ़ी पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। और फिर हम मिल नगर जाने की सोच रहे थे, बट यार पिज़्ज़ा ही हमारा 45 मिनट में आया था, तो हम अलग अलग जगह से खाते कुछ, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, हमें जाना था जामा मस्जिद। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई पता नहीं मैं क्या कह रही थी, मुझे खुद भी याद नहीं है। और फिर नीलनगर के सामने ही पन्ना पूरी था, जो कि वो भी बहुत सुंदर था। नीलनगर ब्लू में था, ब्लू कलर का था, और पन्ना पूरी ग्रीन था, सुनहरी नगरी गोल्डन थी, लालबाग रेड था, बहुत ही सुंदर था। सबसे प्यारा तो ये सिटिंग एरिया बना रखा है जहाँ 2000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, मतलब यार वाओ, इससे देखकर कहने का मन करता है वाओ। बस तो फिर उसके बाद जी हम आ गए थे नीचे, क्योंकि हम घर जा रहे थे। और ये जो कॉम्बो है ना, ब्रिटिश एंड मुगलाई तरीके से जो इसे डिज़ाइन किया गया है, अमेजिंग है। तो छत को देखो मुगलाई तरीके से है एंड वैसे ब्रिटिश तरीके से, दोनों का कॉम्बो ना अमेजिंग लग रहा था, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। कि ऊपर देखो तो मुगल वाइब्स आ रही थी, नीचे देखो तो ब्रिटिश वाइब्स आ रही थी, बहुत ही प्यारा था। किस किस ने ये नोटिस किया मुझे बताना, मैंने तो बहुत अच्छे से नोटिस किया। और यहाँ पर ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर्स भी थे, काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम बना रखे हैं मॉल के अंदर। और कॉस की जो एक ब्रांड है लहंगों का, वो भी है यहाँ पर। तो अब मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं खाला और बाकी सबको ढूंढ रही थी, तो कैमरामैन यहाँ पर शूट कर रहे थे थोड़ा सा, मैंने कहा चलो चलो आप शूट करो, मैं उनको ढूंढ के आया, क्योंकि फ़ोन भी नहीं उठा रही थी खाला, पता नहीं कहाँ चली गई थी जकिया, बाकी मेरे कज़न वगैरह सब, जो लहंगे भी बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पर, और मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं किसी को फॉलो कर लें निशा अंसारी 999 से मेरी आई।
है जकिया और अमान बिल दे रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं खाने का। यहाँ रू बैठा रू और यहाँ हम सब बैठे हैं और मैंने पिज्जा गिरा लिया अपने कपड़ों पे, बस ये दाग छूट जा रहा लपाक जल्दी से। मैंने मेरी ड्रेस आज ही तो न्यू पहनी है, ख़राब हो जाएगी। हमारा ऑर्डर नंबर है 56 है और ये है कुरेशी कबाब कॉर्नर, ऐसी पर्ची मिलती है। अभी हम अपने कबाब एंजॉय करेंगे। कौन आ गया नीचे? देखो नीचे, ये देखो ये कैट हमारे पास आके बैठ गई है। जाओ फराज ऑर्डर लेकर आओ। वाओ किट्टू कुट्टू किट्टू किट्टू, ओ माय गॉड। हमारा ऑर्डर आ गया और हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे पापा के साथ आए थे, तो आज पापा की याद आ रही है। पापा की याद आ रही है ना सकिया? तो हम सबसे पहले यहाँ पर पापा के साथ आए थे। हमारा ऑर्डर आ गया, मैं खाता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो ये लजीज कबाब, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपने ये दिल्ली सिक्स के कबाब नहीं खाए, सीख कबाब, तो आपने कुछ नहीं खाया, बेकार है आपका दिल्ली में रहना। तो बस अब मम्मी ने खाएंगे। हमारे कज़न जो आए हैं हमारे साथ में, वो हाथ धोने गए हैं और हमने हाथ धो लिया। यहाँ पर किट्टी बैठी थी, मैंने सोचा उसको भी कबाब दे दूँगी, बट वो चली गई, तो कोई नहीं, चलो हम इन्जॉय करें। तो गाइस हम यहाँ पर आए हैं फूल पॉइंट पे और ये अभी रेनोवेट हुआ है और हम अभी ऊपर आके बैठे हैं, किसी और बात पर हंस रहे थे। तो हमने सोचा कि खाला कुछ नहीं खाएगी, लेकिन खाला ने सबसे भारी भरकम ऑर्डर दिया है पालू देगा। हमने हल्का फुल्का ऑर्डर दिया और खाला ने भारी पे हाथ मारा। वो क्या मांगा? यहाँ पर प्रेशर हो गया। फूल पॉइंट पर आए हैं हम लोग। हमने ये वैरायटी मंगाई है, ये तो लस्सी है और ये क्या है, आलूदा रबड़ी और ये शायद तुम्हारा ही लग रहा है, मैं दूसरों को सुना रही हूँ। खास कर ये तगड़ा माल तो कम आया और लस्सी ज्यादा, ये कम माल तगड़ा आया। और इनके मैं रेट भी बता देती हूँ, 270 रुपए का सारा सामान। तुमने सब में बोल दिया। तो गाइस अम्मी के लिए हम कबाब पैक करा रहे हैं, क्योंकि अम्मी नहीं आई थी, तो खाला ने कहा चलो कबाब पैक करा लेते हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं, खाना अपने खा लिया है जस्ट हम। और यहाँ पर हम कबाब पैक करा रहे हैं। सो गाइज़ रात हम घर आ गए थे, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग एंड करने का, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ, बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा। और ओ मैक्स मॉल कौन कौन गया है, कौन कौन जाने की सोच रहा है, अगर जाने की सोच रहे हो तो ज़रूर जाना, और जो जो गए वो कमेंट में बता देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब उनका दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपके लिए सरप्राइज़ है कि मुझे आपसे किसी को मिलाना है, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसका वेट करना, एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।